जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी, आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 31 अक्टूबर, यानी कि वही दिन जिसकी तैयारी में हम पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए जल्दी जल्दी अपना काम समेट लेते हैं, क्योंकि त्यौहार हो या चाहे कुछ भी हो, घर के कामों से तो देखिए हमें छुट्टी मिलती ही, स्पेशली किचन से। तो आज तो हमें थोड़ा सा कुछ स्पेशल भी बनाना है। वैसे तो देखिए मिठाई वगैरह मैंने बनाकर पहले ही तैयार कर ली थी, तो आज तो बस मैं देवी मैया के भोग के लिए ही बनाऊंगी। तो अभी तो मैं बना रही हूँ बेसन की बर्फी, हलवा या बर्फी कुछ भी बना सकते हैं आप। और बिल्कुल थोड़ी सी बनाऊंगी, क्योंकि मिठाई तो दिवाली के त्यौहार पर ढेर सारी आती है, किसी का भी मन नहीं है मीठा खाने का। और भोग में जैसे प्रसाद के लिए, लक्ष्मी मैया के लिए पीले रंग की मिठाई तो बनती ही बनती है, साथ में अपनी दूध की भी कोई ना कोई मिठाई रहती है। तो आज तो मैंने खीर ही रखी है बनने के लिए, सॉरी अभी तक रखी नहीं है, मतलब बनाने वाली हूँ। क्योंकि घर में जैसे दूध रहता है तो हम खीर ही बनाते हैं, नहीं रहता है तो हलवा भी बना लेते हैं। पर यह है कि दूध तो लगभग घर पर रहता ही है, तो किसी भी दही देवता की हम धोख लगाते हैं तो खीर ही बनती है। तो जी बस अभी भैंसों को सानी वगैरह डालने का अपना काम निपटा लिया है, और अभी लगभग 3 या 3:30 ही बजे होंगे। और सच बताऊं तो आज का पूरा दिन निकल गया भाग दौड़ करते करते। ये था कि बस शाम तक सारा काम इत्मीनान से निपट जाए। सुबह उठते ही सबसे पहले तो पूरा घर धोया, उसके बाद फिर कपड़े धुले। और घर धोने का काम हमारे लिए बहुत ही बड़ा हो जाता है, क्योंकि कच्चा फर्श है ना, तो पानी निकलने का नाम ही नहीं लेता है। बाकी की सारी साफ सफाई तो मेरी हो गई थी, घर धुलने का काम रह गया था और वो मैंने दिवाली के लिए ही छोड़ रखा था। तो बस सुबह उठते ही अपने वही काम निपटाए, और अभी हरा लगाकर खीर रख दिया आरंभ बनने के लिए। चूल्हे पर दूध उफनता भी थोड़ा सा ज़्यादा, वैसे आज तो मेरा आरंभ भी निकल गया था, लेकिन खीर ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती है। दूसरा हमें फिर बीच बीच में इधर उधर भागना नहीं पड़ता है। तो खीर आरंभ रख दी थी बनने के लिए, और हमारी बर्फी भी देखिए अच्छे से जम गई है। बस कलर थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल पीला नहीं है। वैसे हलवाई वगैरह बनाते हैं तो वो थोड़ा सा फूड कलर डाल लेते हैं, तो उनका कलर थोड़ा सा ज़्यादा चटक रहता है। घर पर हम बनाते हैं तो ऐसा ही कलर आता है। इधर हमारा खाना भी बनकर तैयार हो गया है, और आज खाना मैंने पूजन से पहले ही बना कर रख दिया था। सोचा कि पहले खाना वाना बना कर रख देती हूँ, उसके बाद फिर इत्मीनान से अपनी पूजन की तैयारी करेंगे। अभी टाइम लगभग 5 बजे हैं, तो चलिए अभी दिए भिगो देते हैं। वैसे मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, और तीज त्योहारों में इन सब में ये सब तो चलता ही है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें थोड़ा बहुत तो लेट सेट हो ही जाते हैं। ये है कि कम से कम 1 घंटे के लिए तो दियों को भिगोना ही रहता, तो थोड़ा जल्दी भिगो देते, पर अभी भी काफ़ी टाइम है। इस बार पूजन तो जैसे 6:30 से 8:30 बजे तक का है, तो तब तक हमारी इत्मीनान से सारी तैयारी हो जाएगी। और ये सब मैंने पहले ही सोच कर रखा था कि ऐसे ऐसे करके अपना सारा काम निपटाना है, पर कल ये नई भैंस आ गई थी तो इसके चक्कर में काम थोड़ा सा बढ़ गया है। अभी सबसे पहले तो दूध निकाल लेते हैं, और इस बार हम ताज़ा भैंस लेकर आए हैं। हर बार क्या होता है कि ज़्यादातर बाकड़ी लेकर आते हैं, उसके चक्कर में फिर हमें दूध के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। पर यह है कि देखिए घर चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, तो बाघड़ी लेकर आते हैं, फिर जैसे ब्याने के बाद बेच देते हैं, तो इससे थोड़ा सा फायदा भी हो जाता है, और हमारा जो घी दूध का है वो काम भी चल जाता है। और हमारा हमेशा से यही है, ताज़ा भैंस हम बहुत कम रखते हैं, क्योंकि दूध बेचने वगैरह का काम तो हमारे यहाँ इतना ज़्यादा है नहीं, रेट बहुत ज़्यादा कम है। अभी तो फिलहाल 51-52 रुपये दूध बिकता है हमारे यहाँ, तो उसमें कुछ इतनी ज़्यादा बचत तो आती नहीं है। पर यह है कि अभी घर के दूध की आदत हो गई है, और देखिए मॉल के दूध में इतने अच्छे से खाना पीना नहीं हो पाता है। तो जी खीर तो अभी हमारी बनकर तैयार हो गई है, बस इसमें मीठा तो मैंने डाल दिया था, अभी डाले हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट, अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अभी खीर को तो उतार कर रख देते हैं एक तरफ, और दूध रख देती हूँ आराम गर्म होने के लिए। लिपाई पुताई तो वैसे मैंने चूल्हे की भी की थी, पर आज चूल्हा जलाया ही नहीं। वैसे तो दिवाली को देखे सुबह उठते ही लिपाई पुताई घर धुलना सब किया ही था, लेकिन आज खीर और दूध गर्म करने का काम तो आरंभ हो गया था, और बाकी का खाना गैस पर बन गया है। ये थोड़ा सा सुबह का दूध रखा था, ये इसमें डालकर ऊपर रख देंगे जावला, और इससे क्या होता है कि दूध हमारा उफनता नहीं है,
जैसे खीर पर मैंने प्लेट रखी थी तो थोड़ा सा फिर भी निकल ही गया है, क्योंकि प्लेट वगैरह हम लगा देते हैं तो फिर इतने अच्छे से हवा पास नहीं हो पाती। और ये देखिए बर्फी हमारी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, और जल्दी जल्दी में ही बनाई थी मैंने, पर काफ़ी अच्छी बन गई है। बस ये है कि थोड़े से ड्राई फ्रूट ऊपर डालने थे जो कि मैं भूल गई, पर चलो कोई नहीं, अभी हमारा भोग का प्रसाद तो बनकर तैयार हो गया है, खीर भी और बर्फी भी। और तब तक जो छोटे मोटे काम थे वो बच्चों ने संभाल लिए थे, जैसे दिए ही साथ में निकाल दिए थे। और बीच बीच में मैं इन दोनों बहन भाई को काम बताती रहती हूँ, जैसे घर में छोटे छोटे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और अभी इसने सारे दीवों में तेल भी भर दिया है और बाती भी लगा दी है। और रितिका का तो सबसे पसंदीदा काम रहता है तीज त्योहारों में अपने घर को अच्छे से सजाना। वैसे तो ये 3-4 दिन से लगी हुई है और आज इसका काम अभी शुरू हो गया है रंगोली बनाने का। दिखा दिखा तेरी रंगोली। और सिखा दिया, जूम करके देखनी पड़ेगी। जूम करके देखनी पड़ेगी, रुक जाते एक बार आऊं सब। तेरी रंगोली इतनी बढ़िया, अरे ओ इसकी रंगोली ना बिगाड़ दिए। और ईशांत का और रितिका का तो देखे कई दिनों से जैसे आना जाना सामान लेकर आना ये सब चल रहा था, लेकिन ये लड़का पटाखे नहीं लेकर आया, जो कि अभी ये रात को चले हैं खेत से। आते आते इनको लेट हो ही जाता है। आज कोशिश तो की थी थोड़ा सा जल्दी आने की, लेकिन फिर भी बस अभी आए थे, नहा धोकर फिर चले गए इसको पटाखे दिलवाने के लिए। बाकी तो जो जो सामान मैं इसको बोलती हूँ ना सारा सब लेकर आता है, लेकिन पटाखों के लिए साफ साफ मना कर दिया। और दिवाली को क्या होता है कि एक तो पूजन करना रहता है, और दूसरा आज के दिन रात को इतना ज़्यादा लेट घर से बाहर नहीं जाते हैं। वैसे अभी तो लगभग 7 ही बजे होंगे, तो ये चले गए थे पटाखे लेने के लिए, और तब तक मैंने नहा धोकर अभी लक्ष्मी मैया की पूजन की तैयारी शुरू कर दी है। और क्यों नहीं जाते हैं वो तो देखिए मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सुनी सुनाई होती हैं। ज़्यादातर तो हमारी लाइफ में सारी ही बातें ऐसी होती हैं, और कहीं ना कहीं ये सब विश्वास पर टिका हुआ है। तो हमारे यहाँ तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं कि दिवाली की रात को ज़्यादा लेट हो जाए तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो बस अभी इनके आते ही सबसे पहले तो किया है दीयों का पूजन। हमारे यहाँ जैसे दिवाली पर पहले दीयों का पूजन करते हैं, मीठी भी की खील डाल दी और पानी की कार लगा दी, हो गया हमारा दीयों का पूजन। अभी आधे दिए तो हम रखेंगे लक्ष्मी मैया के सामने और आधे दीवारों पर रख देंगे। और रितिका ने इस बार जितने भी हमारे यहाँ दरवाजे हैं सबकी दहलीज पर लक्ष्मी मैया के पैर बनाए हैं। बड़ी रंगोली तो इस बार बनाई नहीं, क्योंकि बड़ी रंगोली बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और दूसरा हमारे यहाँ फर्श कुछ ऐसे हैं, थोड़ा सा डिजाइन बदल जाता है ना, जैसे गड़बड़ हो जाती है तो फिर ठीक नहीं हो पाता है। तो बस इसने लक्ष्मी मैया के पैर ही बना दिए हैं। और ये है कि एक रंगोली में आधा दिन लगाने से अच्छा है कि पूरे घर में ही जैसे छोटे छोटी रंगोली बन गई है, अच्छा भी लग रहा है देखने में। जितना हमसे हो पाया उतना हमने कर लिया है, और अभी हमारी पूजन की भी सारी तैयारी हो गई है। और पूजन में भी लगभग सारी तैयारी बच्चों ने ही की है, जैसे फूल वगैरह लेकर आना ये सब रितिका ही लेकर आई थी, नहीं तो मैं तो हमेशा जैसे सादा सिंपल ही लक्ष्मी मैया का पूजन करती हूँ। और देखिए कोई भी तीज त्यौहार हो हमारा मन सच्चा होना चाहिए, और जितना हमसे बन पड़े उतना हम अगर श्रद्धा भाव से करते हैं तो दही देवता तो खुश हो ही जाते हैं। और लक्ष्मी पूजन में हमारे यहाँ एक घी का और एक तेल का 2 दीपक रखते हैं, तो बस अभी घी का और तेल का दोनों ही दीपक मैंने रख लिए हैं, बाकी जो अपनी मिठाई बनाई थी वो सब रखा है। दिए और पूजन तो सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होता है, बाकी लक्ष्मी मैया के पूजन में तो देखिए जितना जिससे बन पड़ता है वो अपने हिसाब से करता ही है। तो जी बस अभी हमारा पूजन शुरू हो गया है, चलिए पूजन कर लेते हैं। कोई बोलता है आरती करते हैं, कोई बोलता है नहीं करते हैं। वैसे मैं तो देखिए हर साल आरती करती हूँ, तो इस साल भी हमने आरती के साथ ही अपनी पूजा को समाप्त किया है। चलिए अभी ये जो थोड़े से दिए बचे हुए हैं ये भी दीवारों पर रख देते हैं। सबसे पहले तो रितिका की रंगोली में ही रखेंगे, क्योंकि स्वागत तो लक्ष्मी मैया का यहीं से होगा। बाकी के बाहर जो दिए बच गए थे वो ईशांत ने लगा दिए थे, और तुलसी मैया तो हम गमले में लगा ही नहीं पाई। ये सारे काम रितिका के लिए इकट्ठे हो गए, जैसे गमला सजाने का काम भी मैंने इसी को थमा रखा था, इसके पास काम थोड़े से ज़्यादा थे तो गमला तो हमारा तैयार हो ही नहीं पाया। बाकी मेरा मन था कि दिवाली से पहले तुलसी मैया को गमले में लगा ले,
पर नहीं हो पाया वो काम भी हमारा, तो बस तुलसी मैया के नीचे मैंने दिया रख दिया है। उसके बाद फिर जो दिए पहले रखे थे वो तो बुझ भी गए हैं, क्योंकि दिवाली के दिन मौसम कुछ ऐसा ही रहता है। आज वैसे शांत सा है, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा तो नहीं चल रही है, और इस शांत को जल्दी है, बस जैसे ही पूजन खत्म हो मैं पटाखे जलाने शुरू करूँ। तो बस अभी शांत तो लग गया है पटाखे जलाने में। तो थोड़ी पीछे कर लेनी इसने, नीचे धर लियो इसने, ऊपर कर जमा मेरा मां बाट रहा है। मम्मी एकदम चिट्टा अच्छी टूटेंगी। अरे धर इसने, नीचे धर कर दियो मैं एकदम ऊपर ले तू छोड़ दे मां। मोदी करो मोदी। हां मैं फिर चल लग कर दिया। तो ये सारे के सारे पागल लोग यहां पर लगे हुए हैं। बताओ मम्मी कितनी बढ़िया, मेरे लिए तो ज्यादा तोड़ा पा रखे है। और सच बताऊं तो त्योहार मनाने का मजा बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तभी आता है। जैसे कि हम तो अपने आप अपने लिए कुछ इतना ज़्यादा करते नहीं है। आज ईशांत मेरे लिए और रितिका के लिए अलग से पटाखे लेकर आया था। फूलझड़ी तो रितिका ने मंगवाई थी, बाकी चक्री और जो छोटे पटाखे रहते हैं वो ही अपने मन से लेकर आया था। तो मैंने तो एक दो चक्री जला ली है, बाकी रितिका को तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, तो उसने तो ये फूलझड़ी मंगवाई थी और जो बिल्कुल नकली निकली थी, जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फुल जड़ी जलाना तो वैसे मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस अभी मेरा तो सेलिब्रेशन हो गया है और मैं देखूंगी अभी अपना काम। खाना वाना वैसे हमारा हो गया है और पूजन के बाद फिर मैंने रख दी थी ये काजल बनने के लिए, थोड़ी सी बन गई है। तो अभी सब की आंखों में काजल लगा देती हूँ, क्योंकि दिवाली की रात देखिए काजल लगाए बगैर तो अधूरी ही है। बाकी हम पूरे साल लगाएं ना लगाएं, लेकिन दिवाली की रात को तो सूखी काजल ज़रूर लगाते हैं। और बाद में ये प्लेट में फिर से उस दिए के ऊपर लगा दूंगी। आज के दिन जैसे आंखों में लगाते भी हैं और बनाते भी हैं। और बच्चे छोटे थे तब तो मैं इनको जैसे डेली नहलाना धुलाना किया, उसके बाद फिर काजल लगाती ही थी। अभी थोड़े से बड़े हो गए हैं तो ना तो ये लगाते हैं और ना ही पसंद करते हैं। अभी तो इन्हें साइंटिफिक रीजन का पता चल गया है कि आंखों में काजल नहीं लगाना चाहिए। बाकी देखिए छोटे बच्चे रहते हैं तो काजल लगाए बगैर तो उनका श्रृंगार अधूरा ही रहता है, जब तक कि आंखों में काजल लगा कर हम टीका ना लगा दें। ईशांत ने तो बड़े ही आराम से लगवा ली थी और रितिका को इतना ज़्यादा डर लग रहा था, इसने तो साफ साफ मना कर दिया था। वैसे तो इसको हर चीज़ से डर लगता है और इसी चक्कर में आज तक ये स्कूटी चलाना नहीं सीख पाई है। और सूखी काजल वैसे आंखों में थोड़ी सी मतलब रड़कती भी ज़्यादा है, पर इससे आंखें बड़ी अच्छे से साफ हो जाती हैं। सारा मुंह काला पीला कर लिया। नहीं आ रहे हो? कितना को आ रहे हम? कौन आ रहे के? ले कर दे ले। देख। मिर्च मत चाहिए आपने।
पहले मेरे चार दो घूम दो ओके फिर से ही लगा के लाई हूं देख गड्ढा किया सब तो बोल रहे हो तो जी अभी बज गए हैं 11 और हमारा दिवाली सेलिब्रेशन हो गया है सारा। हाँ अभी बज गए हैं 11 और हमारा दिवाली सेलिब्रेशन हो गया है सारा। ईशांत के तो आधे पटाखे बज गए, इतने बड़े बड़े पटाखे लेकर आया है ये इस बार। बड़े बड़े इतने बड़े बड़े इतना तो है, उतने बड़े बड़े तेरे पटाखे हैं क्या जरूरत से इतने बड़े बड़े पटाखे की? लेने चाहिए कल से ना पटाखे, बस थोड़े बहुत ले आया कर भाई, एक दो ले आया भूल जड़ी भल जड़े को मुर्गा छाप ले कर दे पहली किसने बताई इतने बड़े बड़े पटाखे और मुर्गा छाप मुर्गा छाप की पेड़ी घड़ी जला रीति और ये लगाई थी कल मेहंदी, ये देखी दिखाई नहीं दे रही, दिखाई दे बताओ मेरे आते ही से मेरी देखो दिखाई थोड़ी सोई वगैरह कर दो जी खाली खाली सेम सेम डिजाइन है सेम में है के। हाँ। ये देखिए लगभग जो करवा चौथ पर लगाई थी वही डिजाइन है, लगभग नहीं सेम सेम ना, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने मेरे हिसाब से बनाया था मैंने। अच्छा तो जी चलिए फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें मस्त रहें और एक बार फिर से आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।